वेलकम टू कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज दो बड़ी कंपनीज है हमारे फोकस में। एक है टाटा पावर, जो हाल ही में एक डील अनाउंस की गई है, जहां कंसोर्शियम ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने टाटा पावर के रेन्यूएबल बिजनेस में निवेश करने का फैसला किया, जो हमने आपको सबसे पहले बताया। इस पर चर्चा करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट में, और साथ साथ हम बात करेंगे माइंडट्री, जिनके नंबर्स आए, आईटी कंपनी, उनके नंबर्स पर और आगे क्या है बिजनेस आउटलुक। तो शुरुआत करते हैं टाटा पावर से। टाटा पावर में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टर्स, जो कि इंक्लूड करते हैं ब्लैक रॉक और मुबादला जैसी बड़े मार्की नेम्स। रेन्यूएबल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा और आगे कंपनी के रेन्यूएबल बिजनेस को लेकर बड़े और बहुत अग्रेसिव प्लान्स भी हैं। चलते हैं सीधे कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशन सर, द डील इज डन। 4,000 करोड़ रुपए जो अब कंपनी में आ रहे हैं, उसका क्या आगे यूटिलाइजेशन होगा, प्रोसीड्स कैसे यूज होंगे, और जिस तरह से वैल्यूएशन की गई है सर ऑफ 34,000 करोड़ रुपीज जो आपके रेन्यूएबल बिजनेस को दिया गया है, उस पर आप कैसे अराइव हुए? ये बहुत अच्छा डील है, ये एक बेंचमार्क डील है। पिछले कई सालों में इस तरह का डील नहीं हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डील में सिर्फ हम यूटिलिटी स्केल का प्रोजेक्ट्स नहीं बात कर रहे हैं, बट इसमें होल स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे ये हमारा ईपीसी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो सेल्स एंड मॉड्यूल्स का, या रूफटॉप, सोलर पंप्स, ईवी चार्जिंग। तो ये सब बिजनेसेस को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, और इसमें करीब 4,000 करोड़ का निवेश होगा हमारे पार्टनर्स का। एंड ये पैसा हम इस्तेमाल करेंगे ग्रोथ के लिए। हमारे जो न्यू रिन्यूएबल बिजनेसेस में ग्रोथ हो रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे हैं, 4 गीगावाट का नया प्लांट लगा रहे हैं, या हम यूटिलिटी स्केल में काफी जोर शोर से बढ़ेंगे। अभी हम करीब 5,000 गीगावाट पे हैं, वो करीब 2027 तक 20,000 मेगावाट करना है। सो फ्रॉम 5,000 मेगावाट टू 20,000 मेगावाट, सो ये करीब 4 times ग्रोथ हम करने वाले हैं अगले 5 साल में, और इसके लिए काफी निवेश की जरूरत है। और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो आएगा, ये अगले 12 महीना से 18 महीना जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके श्योर सर, प्रोसीड्स तो ऐसे यूज होंगे। सर, 34,000 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन की है रेन्यूएबल्स बिजनेस की, वो कैसे अराइव हुई सर? तो वो एक ईवी इबिटा नंबर होता है, और उसके बेसिस पे हम करते हैं कि हमारा क्या इबिटा आएगा, और वो एक रेंज होता है, तो उसी रेंज के बेसिस में दिस इज द बेस अमाउंट कि 34,000 है। यदि हम इबिटा ज्यादा अच्छा करें अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये बढ़ जाएगा, और यदि जो बेस जो हमने दिया है, बेंचमार्क जो नंबर दिया है, उससे यदि कम होगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। सो दैट्स द बेसिस ऑन व्हिच द ईवी इबिटा हैज बीन वर्क्ड आउट। ओके, ये बता इस पॉइंट से इमर्ज हुई है। सर, आपने ऑफ कोर्स कहा कि जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, फंड्स जो आए हैं रेन्यूएबल बिजनेस में, क्या और भी इनके अलावा और भी कोई फंड्स या कुछ प्लेयर्स आ सकते हैं जो इन्वेस्ट करते कर सकते हैं कंपनी में इन द फ्यूचर? आर यू ओपन टू दैट? सो फिलहाल जो ये 4,000 करोड़ जो हमने टारगेट किया है, ये इस तरह से टारगेट किया कि अगले हमारे 12 महीना से 18 महीना में जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको ये एडिक्वेटली केटर कर ले। तो यदि आगे चल के 12 महीना के बाद या 18 महीना के बाद हमें लगे कि और हमें निवेश चाहिए, तो उस समय हम बात कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं। बट सर, क्या आईपीओ एक रूट हो सकता है फॉर रेन्यूएबल्स इन द फ्यूचर? क्योंकि यू नो, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, दे मे वांट टू मोनेटाइज इन फ्यूचर, सो उनको क्या कहा गया है, उनके साथ कोई कंडीशन सेट हुई है सर इस तरह से? तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो ये कम से कम अगले 5 साल तक ये दे वांट टू बी देयर, 5 से 7 साल, दे डोंट वांट टू बी अ शॉर्ट टर्म प्लेयर। तो ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो होगा हमारा, उसमें हमारे से साथ भागीदार रहे। सो इनके साथ हमारा यही अरेंजमेंट है कि हमारे साथ लंबे रहेंगे, और ये ग्रोथ जो है उसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे।
बट मैं आपसे जानना चाहूंगी डेट के बारे में. अभी डेट ऑन योर बुक्स इज अबाउट 15,000 crore रुपीज, इज दैट राइट सर? इसको कैसे आगे मैनेज करेंगे फॉर फ्यूचर कैपेक्स? फंडिंग डेट से आएगी या यू विल रोप इन फ्रेश इन्वेस्टर्स? सो हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, हम बड़े प्रूडेंट नॉर्म्स यूज करते हैं, एंड वो नॉर्म्स में 70-30 या 75-25 डेट इक्विटी रहता है, और उसके बेसिस पे ही हम करते हैं इन्वेस्टमेंट. सो हमारा इक्विटी 25-30% रहेगा और जो बैलेंस रहता है वो डेट रहता है, और हमारा जो इबिटा आता है इस कंपनी में वो काफी रहता है टू टेक केयर ऑफ डेट रीपेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट, एंड उसके साथ साथ हमको डेट इक्विटी रेशियो रखते हैं वो काफी कंजर्वेटिव डेट इक्विटी रेशियो रखते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि डेट को हम मैनेज करें इन मच बेटर वे, सो दैट हमारा जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स है डेट इक्विटी का एंड DSCR का वो हम मेंटेन करें. सर ऑफ कोर्स आगे चलकर किस तरह से कंपनी की स्ट्रेटजी अब फॉर्म अप होगी? फंड्स आ गए हैं रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में, अब आपने एक्सपेंशन की बात की है, बट एज द न्यू कैपेसिटीज कम ऑन स्ट्रीम सर, किस तरीके की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट? हम FY23 में समझिए शुरू कर रहे हैं, अगले 2-3 साल में कहां देखते हैं नंबर सर? तो हम फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स तो देते नहीं है, बट आई कैन ओनली शेयर विथ यू दैट हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले साल भी, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट कि पिछले साल कोविड वेव 2 था, कोविड वेव 3 था, उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. हमारा टीम काफी स्टेबल है, फंडामेंटल्स हमारे सही है, और आगे चल के ये सब अच्छे से ग्रो करेंगे. तो चाहे ये हम मैन्युफैक्चरिंग का नया प्लांट लगाएंगे अगले एक साल में, इसके साथ साथ हम ईपीसी ग्रोथ काफी होगा. ईपीसी हमारा दोनों होता है, जो हम इंटरनल यूटिलिटीज के लिए खुद का लगाते हैं प्लस हम बाहर का करते हैं, सो उसमें काफी ग्रोथ होगा. इसके साथ साथ हमारा रूफ टॉप और सोलर पंप जो काफी इंप्रूव किया है, इंक्रीज किया है पिछले 3-4 सालों में, वो काफी ग्रो करेगा गोइंग फॉरवर्ड. सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जितने बिजनेस हैं ये इसमें काफी ग्रोथ आएगा गोइंग फॉरवर्ड. ओके श्योर सर. एंड ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज के अलावा इनऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं आपके यू नो रडार पर, अदर एसेट्स दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर, कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे आगे? हाँ देखेंगे जरूर, हम देखते रहते हैं, बट हमारा ना स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई रहता है, बिकॉज हम एसेट्स को जो लेते हैं हम ये देखते हैं कि वो अगला 20-25 साल चल सकता है कि नहीं, उसका मेंटेनेंस किस तरह से हुआ हुआ है, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स किस तरह का है, और उसके साथ साथ तो उसके किस तरह के पीपीएज हैं, हाउ वायबल दोज पीपीएज आर एंड हाउ सिक्योर दोज पीपीएज आर. तो बड़े सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं बिफोर वी टेक डिसीजन ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, बट हम हमेशा मार्केट जरूर स्कैन करते रहते हैं, और कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम जरूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सोचेंगे. मिस्टर सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए इस डील के मायने और आगे किस तरीके के ट्रेंड दिख रहे हैं सेक्टर में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग.